और भ्रष्टाचार के मामलों पर जांच होनी चाहिए, इस मांग को लेकर मैंने एक दिन काउंसिल किया। मैंने किसी का विरोध नहीं किया, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, मैंने शालीनता से विनम्रता से सिर्फ इस बात को मांगा था और आज भी मांग रहा हूं। अभी हफ्ता हो गया है, कोई कार्रवाई हुई नहीं। लेकिन भ्रष्टाचार, करप्शन, आर्थिक अपराध करने वाले वो लोग जिन्होंने गलतियां की थी, पर बार बार कहा जाता है हर गलती सजा मांगती है। जांच होनी चाहिए, सबूत मिले तो कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान को एक ईमानदार और स्वच्छ राजनीति देने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। और इस मुद्दे को लेकर मैंने बड़े खुले मैदान में इस बात को कहा कि करप्शन के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, पर देश के नौजवान के भविष्य को हम अंधकार में डालना चाहते हैं, ऐसा हम होने नहीं देंगे। और यह संघर्ष, यह संकल्प कल भी मजबूत था, आज भी मजबूत है और कल भी मजबूत रहेगा। आप सब लोग यहां बैठे हो, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जिन मुद्दों को मैंने उठाया, ये लड़ाई सही है गलत है? मुझे आवाज नहीं, क्या बोला भाई? मैंने किसी का विरोध नहीं किया, मैंने कोई लांछन नहीं लगाया, मैंने कोई किसी को कटघरे में खड़ा नहीं किया। मैंने बड़ी शालीनता से कहा कि जो हमने आपने वादे किए थे उन्हीं को पूरा कर दो, क्योंकि चुनाव सर पर है। जैसा गुड़ा जी ने कहा, ये 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस की जो परिपाटी बनी है पिछले 35 सालों में, इसको अगर रोकना है, इसको तोड़ना है, अगर दोबारा जनता की सेवा करने का मौका हम लोगों को चाहिए, तो हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि जनता का विश्वास हम लोग जीत सके। इसलिए आज इस सभा में आप सब लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया, और खासकर हमारी शहीद की जो वीरांगना है, इसके भविष्य के बारे में चिंता प्रकट करी है। मैं सभी वक्ताओं को आश्वासित करना चाहता हूं कि जितना जोर हम में है, और गुड़ा साहब आपने ऐसा कैसे बोला, हम लाचार हैं, कमजोर हैं, मजबूर हैं, अरे ये लोकतंत्र है, यहां जनता जनार्दन है, जिसके सर पे हाथ होगा वो ही ताकतवर होगा। बाकी ये पद, कुर्सियां, मंत्री, संतरी आए चले गए, जो जनता के दिलों दिमाग में अपनी छाप छोड़ेगा वही देश का राजनीति करेगा। मेरा तो आप लोगों से निवेदन है, 36 कौम के लोगों से, कि आपने हमेशा मान सम्मान और प्यार आशीर्वाद दिया है, भविष्य में भी आप देते रहोगे, और हम लोग मिलकर इस परिवार की बेहतरी के लिए जो सबसे बेहतर काम हो सकता है उसको करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। विश्वास के साथ यहाँ पर हमारा सत्कार किया, आशीर्वाद दिया, मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन आने वाले समय में ना तो हम डरने वाले हैं और ना हम पीछे हटने वाले हैं। हम सिद्धांत की राजनीति कर रहे हैं, ईमानदारी की राजनीति करना चाहते हैं, वादों को पूरा करना चाहते हैं, जवान किसान को मान सम्मान देना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, एक अच्छा राजस्थान बनकर उभरे, ये हमारा संकल्प है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों का पूरा आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। अगर मिलेगा तो दोनों हाथ खड़े करके बता दो मुझको कि राजनीति कर देंगे। मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, मेरे साथ जोरदार नारा दो, भारत माता की जय।